नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिक्स एंड लूसिया नाम की एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। चेतावनी आगे बिगाड़ने वाले। सिक्स एंड लूसिया 2001 की स्पेनिश ड्रामा फिल्म है। लूसिया एक वेट्रेस अपने उदास लेखक प्रेमी लोरेंजो के साथ फोन पर बात कर रही है। जब उनके बीच कड़वी बहस हुई और वह बाहर चली गई, क्योंकि वह कुछ समय के लिए फंक में रहा है, वह चिंतित है और उसे सांत्वना देने के लिए घर जाती है। एक खाली अपार्टमेंट ढूंढना, लूसिया उन्मत्त है। सुसाइड नोट ढूंढते समय उसे पुलिस का फोन आता है और बुरी खबर से इतना डरती है कि वह सबसे खराब मानकर लटक जाती है। वे वापस फोन करते हैं, लेकिन वह बजने वाले फोन को नजरअंदाज कर देती है, एक बैग पैक करती है और भाग जाती है। एक नई शुरुआत की तलाश में लूसिया रहस्यमय बेलियरिक द्वीपों की यात्रा करती है, जिसके बारे में लोरेंजो ने हमेशा बात की थी, लेकिन हाल ही में इसके बारे में बहुत नकारात्मक रहा था। 6 साल पहले लोरेंजो एक खूबसूरत विवाहित महिला के साथ एक चमकदार चांदरोशनी रात में समुद्र में आकस्मिक सेक्स कर रहा है, जिसे वह एलेना नाम से मिला था। वे अलग हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वे एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। उसे पता चलता है कि वह अपने बच्चे के साथ गर्भवती है और उसे खोजने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है क्योंकि वह उसके बारे में बहुत कम जानती है। बाद में जब लोरेंजो एक रेस्तरां में अपने साहित्यिक एजेंट के साथ बात करता है, अपने लेखक के ब्लॉग पर चर्चा करता है, तो लूसिया सिगरेट लेने के लिए अपनी मेज से उठते ही उसका ध्यान आकर्षित करती है। वह उससे बात करने के लिए कहती है और वह उससे जुड़ जाता है। वह बेशर्मी से उसे बताती है कि जब से उसने उसकी नवीनतम पुस्तक पढ़ी है, वह उसका पीछा कर रही है और उसे उससे प्यार हो गया है। एक मारा हुआ लोरेंजो तुरंत सेक्सी भावुक लूसिया को संलग्न करता है और वह लोरेंजो के अपार्टमेंट में चली जाती है। इसके बाद फिल्म अतीत और वर्तमान। फिल्म के दोनों पात्रों और लोरेंजो के उपन्यास के पात्रों को आपस में जोड़ती है। लोरेंजो बार बार अपने संपादक के साथ अपनी नई किताब पर समय के लिए रुकता है, जबकि लूसिया के साथ उसका रिश्ता गहरा होता है। करीब 6 साल बीत जाते हैं। लोरेंजो को पता चलता है कि एलेना के साथ उसकी मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप उसकी एक बेटी है और वह अपने स्कूल के बाहर बच्चे से मिलने जाती है। अपनी दाई बेलेन से मिलती है। बेलेन लोरेंजो को बताती है कि उसकी माँ एक नए हॉट बॉयफ्रेंड के साथ हाल ही में सेवानिवृत्त पोर्न अभिनेत्री है और लोरेंजो को उसकी कल्पनाओं के बारे में यौन संदर्भ और मजाक के बारे में वस्तुतः बहकाती है। लोरेंजो इन मुठभेड़ों और बेलेन और उसकी माँ के बारे में उनकी कल्पनाओं का उपयोग अपनी पुस्तक के लिए सामग्री के रूप में करता है और लूसिया इसके बारे में पढ़ती है, इसे कल्पना समझती है। इस बीच वह लूसिया या बच्चे को अपने पितृत्व का खुलासा नहीं करता है और न ही एलेना से संपर्क करने का प्रयास करता है। बेलेन लोरेंजो के साथ फ्लर्ट करती है और अंततः उसे एलेना के घर पर आमंत्रित करती है, जबकि वह उसकी बेटी लूना की देखभाल करती है। लोरेंजो लूना को सोने की कहानी सुनाता है और उसके सो जाने के बाद वह और बेलेन यौन संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही लूना बेडरूम का दरवाजा खटखटाती है, वे बाधित हो जाते हैं और वे डरावने रूप में देखते हैं कि परिवार का कुत्ता प्रोटेक्ट मोड में एक बड़ा रोटवीलर लूना को मारता है। बेलेन स्तब्ध है। लोरेंजो भाग जाता है और एक गहरे अवसाद में गिर जाता है। लोरेंजो का लेखन विकृत सेक्स और मृत्यु की ओर अंधेरा हो जाता है।
वह गुमनाम रूप से एलेना से संपर्क करता है, जो आराम खोजने और बेहतर दिनों को याद करने के लिए द्वीप पर चली गई है, और उसे एक खूबसूरत बच्चे के बारे में एक अच्छी कहानी प्रदान करती है, जो समुद्र में तैरना पसंद करती है उसकी आत्माओं को खुश करने के लिए। लेकिन लूसिया के साथ उसका अब अपराध बोध और असंवादात्मक संबंध टूटने लगता है। वर्तमान में वापस लूसिया द्वीप कार्लोस पर एक स्कूबा गोताखोर से मिलता है, और उसके माध्यम से एलेना, जो द्वीप पर एक सराय चलाता है, लूसिया एक कमरा किराए पर लेती है, और महिलाएं अपने अंतरंग संबंध को नहीं जानते हुए दोस्तों के रूप में बंध जाती हैं। लेकिन जब लूसिया नाम से लोरेंजो का उल्लेख करती है और बहुत पहले द्वीप की उसकी पिछली यात्रा, एलेना ने कनेक्शन काट दिया। लूसिया लूना की एक तस्वीर देखती है, उल्लेखनीय रूप से अपने पिता की तरह दिख रही है, और लोरेंजो के उपन्यास से नाम याद कर रही है, और वह भी संबंध बनाती है। लोरेंजो के संपादक अस्पताल में लोरेंजो का दौरा करते हैं, जहां उन्हें एक दुर्घटना में रहने के बाद ले जाया गया था, जहां उन्हें ठीक होने में कई सप्ताह बिताए गए थे। जब लोरेंजो लूसिया के बारे में पूछता है, तो संपादक लोरेंजो को बताता है कि लूसिया शायद सोचता है कि वह मर चुका है। लोरेंजो का अनुमान है कि लूसिया द्वीप पर है और संपादक उसे वहां ले गया है। जब दोनों महिलाओं को पता चलता है कि लोरेंजो मरा नहीं है, तो तीनों पात्र सामना करते हैं और अंत में अपने परस्पर संबंधों की उलझनों को समझते हैं। धन्यवाद।